ईरान में जो हो रहा है उसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हिजाब पर प्रतिरोध, नरसंहार से प्रतिशोध। ईरानी महिलाओं के सपोर्ट में आगे आया तुर्की। विजुअल्स के साथ ईरानी महिलाओं के सपोर्ट में तुर्की ने हजारों लोग इकट्ठा हुए, विजुअल्स के साथ हाथों में कटे हुए बाल लेकर ईरान के खिलाफ विरोध, बैनर लेकर एंटी हिजाब क्रांति के सपोर्ट में नारेबाजी। एम्बियंस आप करिए इसका, ये देखिए, हाथों में कटे हुए बाल लेकर ईरान के समर्थन में, लोकेशन मेंशन करें तुर्की। इस सब के बीच में बड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सीधे आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान के स्कूलों में भी हिजाब के खिलाफ अल्लाह बोल, ब्रेक करें। स्कूली छात्रों ने ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई के खिलाफ लगाए नारे, विजुअल्स के साथ छात्रों ने स्कूल में दिस इज द ईयर ऑफ ब्लड का नारा लगाया। पुलिस ने स्कूल से कई नाबालिग लड़कियों को किया गिरफ्तार। फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइए। एक बार फिर से खबर आपको बताना चाहूंगा। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ईरान के स्कूल में हिजाब के खिलाफ हल्ला बोल, स्कूली छात्रों ने ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई के खिलाफ लगाए नारे। ये विजुअल्स मोजैक हैं जिससे इनके चेहरे ना दिखें। प्लीज लोकेशन में मेंशन करें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ईरान से एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान की सड़कों पर 18वें दिन भी महिलाओं ने लहराया हिजाब, विजुअल्स के साथ प्रदर्शनकारियों का इस्लामिक सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। प्रदर्शनकारियों ने कंपल्सरी हिजाब को बताया बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार से रातों रात दो हिस्सों में बट गया था देश। फिर से पूरा विजुअल फुल फ्रेम पे दिखाइए, फिर से मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। एक और बड़ी खबर, ईरान की सड़कों पे 18वें दिन भी महिलाओं ने लहराया हिजाब, ये देखिए आप। प्रदर्शनकारियों का इस्लामिक सरकार के खिलाफ अल्लाह बोल। प्रदर्शनकारियों ने कंपलसरी हिजाब को बताया बर्लिन की दीवार। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान के नजफाबाद से हजारों छात्रों के विरोध का आया वीडियो, दिखाइए जरा। छात्रों ने आसमान में रंगों को उड़ाते हुए जताया विरोध, ये देखिए, हिजाब से आजादी, आजादी के नारे लगाए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। कट्टर इस्लामिक सरकार के खिलाफ हिजाब के खिलाफ आवाज बुलंद। अब ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। एम्बियंस अप करिए, ये देखिए किस तरीके से ईरान में हिजाब की जो एक तरीके से क्रांति है हर तरफ दिखाई दे रही है। अगली ब्रेकिंग सीधे आइए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में हजारों छात्रों के प्रदर्शन का वीडियो आया सामने, विजुअल दिखाइए। ब्रिटेन ने ईरान में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को बताया गलत, ये देखिए। ब्रिटेन में ईरान के सीनियर राजनयिक को किया गया तलब। व्हाइट हाउस ने भी की ईरान पुलिस की बर्बरता की आलोचना, ये देखिए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये यूनिवर्सिटी के अंदर के शॉट्स हैं। प्लीज लोकेशन में ईरान मेंशन करें, ये देखिए ईरान की तस्वीरें आपके सामने। इसके बाद एक और बड़ी खबर सीधे आइए, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान में शरीफ यूनिवर्सिटी के छात्रों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई, विजुअल्स के साथ। हिंसक कार्रवाई के बाद पुलिस के खिलाफ इकट्ठा हुए हजारों छात्र। पुलिस की हिंसक कार्रवाई के खिलाफ देश की कई यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।